शहीद डिप्टी कमांडेंट मोहन राम मुंड की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश की तरह किसी ने आंख तरफ उठाकर कोशिश की तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि हम लोगों ने 11 महीने में उम्मीद से ज्यादा काम किया है, सरकार के कामकाज को देखते हुए प्रचंड बहुमत मिलेगा। पूर्ण भारतवासी एक मुट्ठी में बंद होकर चुनौती देना जानते हैं और जो भी हमारे तरफ आप उठा के देखेगा उसके दांत खट्टे करना ये भारतवासी जानते हैं। हमारे सैनिकों के शौर्य, उनकी वीरता, उनका बलिदान दुनिया में किसी से कम नहीं है। और याद की बात नहीं, जो लोग समाज सेवा में हैं, राजनीति में, किसी और धंधेबाजी में, लेकिन जब भारत की सुरक्षा की हिफाजत की बात आती है, जब देश के सैनिकों की वर्दी धारक हमारे नौजवानों की बात आती है, तो देश के सर पे उस पार जितने भी लोग हैं कान खोल के सुन लें कि भारत माता के लिए पूरा सैनिक, पूरा देश, पूरा समाज एक है और हमेशा एक है। हम लोगों ने सभी जगह अपने जो क्षेत्रीय नेता थे, जिले के नेता थे, सब लोगों से संवाद करने के बाद सर्वसम्मति से अपने टिकटों का वितरण किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब 16 तारीख को मतदान होगा और मतगणना होगी 19 तारीख को, तो प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को।